तो वही यूट्यूबर जिनको वो सम्मान दे रहे हैं, वही यूट्यूबर उस लड़की को क्या क्या गाली दिए थे, कितना गाली दिए थे बताइए। उस लड़की को इतना लग रहा था कि फ्रस्ट्रेट होकर फांसी लगा। विवाद के बाद पावर स्टार पवन सिंह के 3 पुराने गाने ने ऐसे बनाया रिकॉर्ड की खेसारी लाल यादव के उड़ गए होश। तो क्या है खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बेशक अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। रिकॉर्ड जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव का लगातार गाने के ऊपर गाना रिलीज हो रहा है। पहला गाना उनका आया था मुरब्बा, जो कि देखा जाए तो अभी तक 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, लेकिन बगैर ऐड के उनके गाने पे व्यूज नहीं आता और वो गाना अभी तक 1 नंबर ट्रेंडिंग में नहीं पहुँच पाया। वहीं पर दूसरा देखा जाए तो उनका गाना जो आया था बौराहा पिया, वो भी गाना अगर देखा जाए तो 1 दिन में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं कर पाया था, अपने आप में बिल्कुल थक के बैठ गया था। और वहीं पर पावर स्टार पवन सिंह की अगर बात की जाए तो जब भी कोई गाना आता है तो 9 से 10 घंटे में अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर देता है बिना ऐड लगाए हुए। तो बेशक हम बात करने वाले हैं पावर स्टार पवन सिंह के 3 ऐसे गाने के बारे में जो कि इस बार लगन में सबसे ज्यादा धूम मचा रहा है, सोशल मीडिया पे नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। बेशक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पियर फराक वाली और उसके बाद में देखा जाए राजा जी के दिलवा गोदी में लेकर, ये 3 गाना जो कि पावर स्टार पवन सिंह का इस बार लगन में यूपी में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना चुका है। इसके आगे खेसारी लाल यादव का कोई भी गाना ट्रेंड नहीं कर रहा है, ना किसी का गाना भी इस बार लगन में बज रहा है। तो इस पर आप लोग का क्या राय चल रहा है, जो भी राय चल रहा है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मिलते हैं अगले नेक्स्ट।